गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज का जो वीडियो हमारा है ये कम्प्लीटली अलग वीडियो है, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग इस बाइक का, जो आपके सामने बाइक दिख रही है, यामा XZS वर्जन 3 जो बाइक है, उसका हम लोग चेसी रिप्लेस करने वाले हैं। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, इसका चेसी रिप्लेस होने वाला है। द रीज़न इज द कस्टमर ऑफ दिस बाइक have had a crash a few weeks ago, and he was lucky that he could survive that crash, and fortunately nothing happened to him, but us crash mein iski bike jo hai wo completely lost, completely destroyed ho gayi hai, aise bolunga main, because is crash ke dauran jab wo bike pe se gira, he was fortunate that he रोड पे गिर गई, एंड अनफॉर्चुनेटली बाइक के ऊपर से ट्रेलर चला गया। बाइक का पीछे का जो पार्ट है आपको मैं थोड़ा क्लियरली दिखा दूंगा, तो ये पीछे के पार्ट के ऊपर से ट्रेलर जो था बड़ा सा ट्रेलर चला गया, जिसके कारण पीछे का जो पार्ट है, जो टेल सेक्शन है अपना, टेल लाइट, इंडिकेटर, नंबर प्लेट, इवन द मडगार्ड हैज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। पीछे का जो पार्ट है इसका, पीछे का जो पोर्शन है इंक्लूडिंग द चैसी, वो पूरा का पूरा क्रश हो गया है, एंड इवन द सीट भी है, सीट का भी लॉक टूट गया है, तो सीट कभी ऐसे ही खुल रही है, एंड लकीली बाकी इंजन या फिर एनी अदर कंपोनेंट्स को कुछ ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है। सो वॉट एवर पार्ट्स दैट आर डैमेज आर हैंडल बार, द 40, द चेसी, एंड द पीछे का जो भी टेल का फाइबर है वो पूरा का पूरा। सो इस बाइक का ऑलरेडी हमने यामा के स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो गई है हमारी, एंड दो पार्ट्स आर अवेलेबल एट हिज आउटलेट। सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसका पूरा का पूरा जो बाइक है पूरा डिसमेंटल करेंगे। सो डिसमेंटल करने के बाद वी विल हैव अ बेटर आइडिया कि कौन से पार्ट्स एक्चुअल में डैमेज हो गए हैं। वी हैव ऑलरेडी गिवन द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स विच वी विल रिक्वायर टू रीबिल्ड दिस व्हीकल, बट फिर भी जस्ट टू हैव अ बेटर आइडिया और जस्ट टू हैव अ मतलब डिटेल्ड आइडिया कि एग्जैक्टली कि कौन से पार्ट डैमेज है, तो वही जानने के लिए हम लोग आज ये बाइक पूरा का पूरा डिसमेंटल करेंगे। एक एक पार्ट, एक एक पूरा का पूरा, एक एक बार्ट, एक एक बोल्ट, उसका सब अलग करेंगे, एंड वी विल अगेन मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ द स्पेयर पार्ट्स दैट वी विल रिक्वायर टू रीअसेंबल दिस बाइक। तो वीडियो चालू करते हैं, और उसके पहले मैं आपको बाइक का मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, सो यू विल हैव एन आइडिया कि वो जो क्रैश था वो कितना सीवियर था। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बाइक है हमारी जिसका हैंडल बार है, वो हैंडल बार भी कम्प्लीटली बेंड हो गया है। इधर अगर देखोगे तो यहाँ से पूरा वो क्रश हो गया है। सिमिलरली साइलेंसर जो है वो भी अंदर आ चुका है, ये जो फ्रेम है ये पूरा का पूरा ट्विस्ट हो गया है। ये हालांकि ये तो हम लोग उसको बाहर खींच के निकाल सकते हैं आउट, और पीछे का जो पार्ट है अभी आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा, ये का पूरा क्रश हो चुका है। सीट अगर निकालूं तो आपको दिखाई देगा, जो भी इसके ग्रैबरल्स थे वो ग्रैबरल्स तो कम्प्लीटली टूट गए, और ये चेसी जो है ये भी पूरे की पूरा लिस्ट हो गई है। वी ऑल्सो थॉट ऑफ कि इसका चेसी आउट निकालेंगे, लेकिन बिकॉज चेसी काफ़ी गंदी तरीके से आउट हो गई है, तो इट इज़ बेटर दैट वी रिप्लेस द चेसी कम्प्लीटली। आउट निकालना इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशंस, बट अगर वो आउट माइनर आउट है तो उसको आउट आप निकाल सकते हो, बट अगर वो मेजर आउट है तो इट इज़ बेटर टू रिप्लेस दोज आइटम्स। चलिए तो फिर काम शुरू करते हैं। तो अभी जो है ये पीछे का चेसी जो है, चेसी हम लोग कट करके निकाल रहे हैं, बिकॉज ये चेसी इतना बेंड हो गया है कि बिकॉज ऑफ दैट हम लोग बाकी के फाइबर पार्ट्स के जो बोल्ट्स है, एलन बोल्ट, स्क्रूज, वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अभी ग्राइंडर यूज़ करके चेसी का पीछे का जो पार्ट कट करके निकाल रहे हैं, और उसके बाद बाकी वायरिंग हार्नेस भी पैरेलली निकाला जाएगा।
अभी इसका जो मडगार्ड है वो मडगार्ड रियर टायर का जो मडगार्ड आता है चेसी के फ्रेम के नीचे जो बैठा है वो निकाल दिया है। अब इसके बाद बाकी टैंक का फाइबर भी निकाला जाएगा, बैटरी निकाली जाएगी उसके बाद। अभी पैरेलली फ्यूल टैंक भी हमने डिस्कनेक्ट करके निकाल दिया है। ये पीछे का टायर हगर जो है वो निकाला अभी हमने, अभी साथ ही में वायरिंग हार्नेस जो है वो बैटरी निकालने के बाद वायरिंग हार्नेस भी हम लोग केयरफुली उसको निकाल रहे हैं। एट द सेम टाइम एयर फिल्टर बॉक्स भी हमने निकाल दिया है। सो गाइज, अभी जो आपके सामने जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा नया चेसी। अब ये चेसी का रैप हम लोग निकालेंगे, कल ही हमने यामाहा से ये चेसी लेके आए हैं। ये रहा हमारा नया चेसी। सो अभी इसमें जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि हमें ये रॉ चेसी मिलता है। सो ये चेसी पे आपको कहीं भी आपको चेसी नंबर या चेसी प्रिंट नहीं रहता। सो वी हैव टू इंश्योर दैट हम लोग बाकी की चीज़ें जो है वो इसके ऊपर माउंट तो कर लेंगे, फॉर एग्जांपल स्विंग आर्म, रियर टायर, मोनोशॉक, ये सब चीज़ें इसके ऊपर लग जाएंगी आज। लेकिन चेसी प्रिंट है वो हमें एक दो दिन में बिफोर वी इंस्टॉल द फ्रंट, उसका आगे का जो भी है वो इंस्टॉल करने से पहले हमें उसके ऊपर चेसी प्रिंट, यहाँ पर चेसी प्रिंट आता है इस जगह पर, तो यहाँ पे चेसी प्रिंट हमें एनग्रेव करके लेना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट जस्ट यूज द ब्लैंक चेसी ऑन द बाइक बिकॉज इट इज़ इलीगल। वो जो पुरानी चेसी है वो हमें डिस्कार्ड करनी होगी और यह इस चेसी के ऊपर हमें चेसी प्रिंट एनग्रेव करके लेना पड़ेगा, दैट्स द लीगल प्रोसेस। सो अभी हम लोग इसको चीज़ें माउंट करना शुरू करेंगे। सो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जो हमने यामाहा से प्रोक्योर की है। कुछ चीज़ें आई है, कुछ चीज़ें आने बाकी है। ये हमारा टेल लाइट असेंबली, ये रहा हमारा मडगार्ड जो यहाँ पीछे बैठेगा, टेल लाइट के ऊपर का जो कवर आता है ये वो कवर है वहाँ पे, और एक टेल लाइट के ऊपर और एक छोटा सा कवर बैठता है ये वो कवर है। ये है हमारा मिरर राइट साइड का, बिकॉज मिरर टूट गया था गाड़ी का। पीछे के दो ब्रैकेट्स मेटल के आप देख सकते हैं यहाँ पे। इंडिकेटर भी हमने लेके आए दो इंडिकेटर से पीछे के ओरिजिनल यामाहा के। ये रहा हमारा पीछे का टेल काउल, एक साइड का मैट फिनिश में आता है।
ये दूसरा वाला विद स्टिकर्स ओरिजिनल पार्ट, इसमें कुछ ओरिजिनल यामा के क्लिप्स एंड स्क्रूज हैं जो हमें काम में आएंगे, तो इसको रखते हैं अभी साइड में फिलहाल एंड काम चालू करते हैं इस चेसी के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पीछे का टायर निकाल दिया है, साथ ही में स्विंग आर्म वगैरह भी हम लोग अभी निकाल रहे हैं, मोनोशॉक का बोल्ट था वो भी निकाल दिया है। जो प्रोसेस चल रही है उसमें भी अगर आप देखोगे तो हम लोग बाइक का स्विंग आर्म भी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उसका स्विंग आर्म के बाद मोनोशॉक भी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सारे बोल्ट्स हम लोग एक ही ट्रे में रख रहे हैं और वी आर इंश्योरिंग कि वही बोल्ट उस जगह पे वापस लगे। केबल्स भी अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, साथ ही साथ इंजन के जो फाउंडेशन के जो बोल्ट आते हैं वो भी हम लोग लूज करके निकाल, उसको लूज ही करके रख रहे हैं बिकॉज इसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें हमें इंजन जो है वो इस फ्रेम से निकाल के जो नया फ्रेम हमारे पास आया हुआ है उसके ऊपर स्वैप करना है, तो इसीलिए इंजन के फाउंडेशन बोल्ट्स जो है उसको भी हम निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जो नया फ्रेम हमारे पास आया था यामा से, तो उस फ्रेम में हम लोग ये इंजन माउंट कर रहे हैं। इंजन जैसे ही माउंट करते हैं उसके फाउंडेशन बोल्ट्स लगा के वी इंश्योर कि वो प्रॉपरली फ्रेम के ऊपर फिट हो गए। सो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं दोनों चेसीज, मतलब दोनों बाइक्स यहाँ पे रखी है हमने। एक बाइक जो आपको अभी दिख रही है जिसको हमने स्टैंड पे माउंट किया है वो नई चेसी है जिसके ऊपर हमने इंजन माउंट किया है, और जो पीछे की तरफ आपको दिख रही है वो हमारी पुरानी बाइक है जिसकी चेसी आउट हो गई है। तो ये काम जो है ये थोड़ा सा लेंदी काम है, इट टेक्स सम टाइम एंड स्टेप बाय स्टेप ही हमें इन चीज़ों को करना पड़ता है। तो जैसे कि आपने देखा अभी हमने पहले पीछे का टायर स्विंग आर्म मोनोशॉक ये नई वाली चेसी पे माउंट कर दिया, उसके बाद हमने इंजन माउंट कर दिया, इंजन के फाउंडेशन बोल्ट्स जो आते हैं वो हमने लगा दिए, उसके बाद हम लोग मेन स्टैंड जो है ये बाइक ये चेसी में जो मेन स्टैंड लगा हुआ है वो निकाल के हम लोग ये चेसी के ऊपर नीचे माउंट कर देंगे, उसके बाद इस चेसी में जो आगे का टायर है जो फ्रंट फोर्क असेंबली बोलते हैं वो फोर्क असेंबली खोल के उसको आउट निकालेंगे, और वो आउट निकालने के बाद स्ट्रेट अवे वहाँ से यहाँ पे वो स्वैप हो जाएगा। इस जगह पे आपको दिखा देता हूँ क्लोजली, ये चेसी प्रिंट इस चेसी पे इस जगह पे आ जाएगा। अभी जो ये प्रोसेस चल रही है हमारी, इसमें जो नया चेसी है वहाँ उसमें नया कॉन्सेट इंस्टॉल हो रहा है, वी आर यूजिंग दिस मैक्सिमा का वाटरप्रूफ ग्रीस जस्ट टू इंश्योर कि जब पानी अगर अंदर सीप भी होता है तो उसके बेयरिंग्स जो है वो ख़राब नहीं होंगे। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये पुलर है, ये पुलर की सहायता से हम उसके जो कोन्स है
कोन सेट के, तो वो कोन सेट के कोन हम लोग प्रॉपरली फिट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है जिसमें हम लोग बाइक का साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों डिस्कनेक्ट कर रहे हैं पुरानी फ्रेम से। हालांकि साइड स्टैंड और मेन स्टैंड ख़राब नहीं हुआ था, तो इसके लिए इसके कारण हमने वो नया उसको रिप्लेस करने का हमने नहीं सोचा। वी आर यूजिंग द सेम साइड स्टैंड एंड मेन स्टैंड ऑफ द एग्जिस्टिंग बाइक ऑन द न्यू चेसिस। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्क असेंबली है, वो फोर्क का जो लोअर टी आउट है, वो लोअर टी आउट निकालने के लिए अभी जाएगा और उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे बाइक के चेसी के ऊपर। सो जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने बाइक का मेन स्टैंड साइड स्टैंड इंस्टॉल कर दिया है और अभी फ्रंट फोर्क असेंबली जाएगी आउट निकलने के लिए। उसके बाद कोन सेट भी लगा दिया नया, उसके बाद फ्रंट फोर्क की असेंबली वापस इंस्टॉल हो जाएगी बाइक के ऊपर। अभी आपको थोड़ा सा एक अच्छा थोड़ा सा नाउ दिस इज़ अ बेटर व्यू आई वुड से, बिकॉज बाइक का नया फ्रेम लग गया है, वायरिंग हार्नेस जो पुराना था जो बाइक से निकाला था हमने, वही वायरिंग हार्नेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वो वायरिंग हार्नेस में कोई भी ख़राबी नहीं थी। तो वायरिंग हार्नेस का जो प्रॉपरली राउट होना इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो कहीं भी टूट ना जाए ये हमें इंश्योर करना है। अभी फोर्क का जो टी है वो लग गया, आपने देखा लोअर टी हमने लगा दिया, इसका फोर्क आउट निकाल के आ गया, जो भी आउट था फोर्क में फोर्क के लेग्स में फिर टी में वो निकल गया है कम्प्लीटली। साथ ही में अपर टी भी बैठ गया, दोनों पाइप्स भी बैठ गए। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग बैटरी का जो ब्रैकेट है वो इंस्टॉल हो रहा है, बिकॉज वो भी फ्रेम पे ही इंस्टॉल होता है। और ये बैटरी के ब्रैकेट में या फिर बैटरी बॉक्स के अंदर आगे जाके बैटरी बैठती है। एट द सेम टाइम पीछे का जो वायरिंग है वो भी वी आर इंश्योरिंग कि वो भी प्रॉपरली राउट होके फ्रेम और रियर मडगार्ड के बीच में से निकल के आगे जाए, ताकि टेल लाइट और इंडिकेटर लगने में कोई परेशानी ना हो। तो इसका चेसी जो है वो चेसी तो हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने बोला था कि वी ऑल्सो थॉट एक्चुअली ऑफ रिप्लेसिंग द फोर्क टी, लोअर टी जो बोलते हैं, दिस इज़ द अपर टी एंड दिस इज़ द लोअर टी। लेकिन उसका जो फोर्क असेंबली हमने खोला और उसको आउट के लिए लेके गए, तब वी गॉट दैट कॉन्फिडेंस दैट कि हम लोग उसको आउट निकाल पाएंगे, बिकॉज दैट लोअर टी इट सेल्फ इज कॉस्टिंग अराउंड 2300 to 2700 के बीच में। तो हमने सिर्फ क्या किया, जो इसके अंदर जो कौन सेट आता है, जो बेयरिंग्स आते हैं, वो चीज़ हमने रिप्लेस कर दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बाकी आगे का जो टायर था एलॉय व्हील का फ्रंट टायर, वो आउट फ्रंट टायर भी रिप्लेस करना पेंडिंग था, तो वो भी हमने रिप्लेस कर दिया है। बाकी ब्रेक ऑयल कल परसों में ब्रेक ऑयल रिप्लेस हो जाएगा, क्लच केबल रिप्लेस हो जाएंगी, एक्सेलरेटर केबल रिप्लेस हो जाएगी और हैंडल बार रिप्लेस होना बाकी है, बिकॉज हैंडल बार वेंडर के पास अवेलेबल नहीं था, तो वो चीज़ पेंडिंग है रिप्लेस करना। तो जैसे ही वो अवेलेबल हो जाएगा वी आर गोइंग टू रिप्लेस द हैंडल बार एज वेल। मिरर आखिरी में जब हम लोग बाइक पूरा रेडी करेंगे उस टाइम पे हम लोग मिरर जो है इसका राइट का वो मिरर भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे। बाकी ऑलमोस्ट काम जो है अगर देखोगे आप तो काम तो ऑलमोस्ट हो चुका है बाइक का,
कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो हमें प्रॉपरली एड्रेस करने हैं, वो एक दो दिन में हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो है चेसी प्रिंट, यहाँ पे करना चेसी के ऊपर। तो वी ऑलरेडी हैव द ओल्ड चेसी, द ओल्ड चेसी के ऊपर जो नंबर है तो वही नंबर हम लोग इसके ऊपर एनग्रेव करने वाले हैं। एम्बॉस नहीं होता है, एनग्रेव होता है। तो देर आर बिट्स एंड वो बिट्स हम लोग बिट्स यूज करके उसको यहाँ पे एनग्रेव करके लेंगे। वो होने के बाद ये चेसी विल बी लीगल, जब चेसी रिप्लेसमेंट प्रोसेस जो है वो लीगल हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कोर्स मैं पर्सनली काम कर रहा था, तो ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होती है जो मिस होती है वीडियो में, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम लोग प्रॉपरली शूट नहीं कर पाते हैं। सो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। बट अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी कमेंट्स है, यू कैन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दैट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर FC V3 में क्या रहता है, क्या उसको पूरा स्ट्रिप डाउन करने के बाद वो कैसी दिखती है, इसका भी आपको अंदाज़ा इस वीडियो में आया रहेगा। FZ का पीछे का टेल पैनल भी नया आ जाएगा, अभी नया टेल पैनल, नया टेल लाइट असेंबली, नए इंडिकेटर्स। ये रहा बाइक का लुक। नए ब्रैकेट्स भी आ गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे चेसी का नंबर है और यहाँ पे हमने चेसी का नंबर एनग्रेव करके लिया है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। ये मीटर असेंबली फिट होगी। तो ये रहा हमारा नया टेल लाइट असेंबली, पूरा असेंबल होके बाइक पे इंस्टॉल हो गया, हो जाएगा अभी। सब बस हिलते हैं। यहाँ पे जो हमारे ये टैंक के पैनल्स हैं ये भी पूरे नए लग गए हैं, साथ ही साथ ये एक्सटेंशन ये भी नया आ गया है। चेसी प्रिंट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही। हैंडल बार भी नया लग चुका है, हैंडल बार के अंदर जो भी लॉक्स आते हैं वो भी हमने लगा दिए हैं। सीट भी अभी नहीं आ गई है बाइक पे, ग्रैबरल एक पेंडिंग था वो भी लग गया है। इंडिकेटर्स दोनों नए लग गए हैं, टेल लाइट असेंबली नहीं आ गई है। ये बाइक का भी काम काफी दिन के बाद आज पूरा हो रहा है। आपको मैं क्लोजली दिखा देता हूँ कि इसके क्या क्या पार्ट्स हमने रिप्लेस की है। आपने पहले ही देखा था कि चेसी था, बाद में आगे का टायर था, पीछे का पूरा जो पार्ट, फाइबर पार्ट जो टूटा हुआ था वो भी हमने पूरा रिप्लेस कर दिया। चेसी प्रिंट भी कर दिया, उसके ऊपर एंग्रेव कर दिया, राइट साइड का मिरर भी डाल दिया। जो चीज़ें हमारी पेंडिंग थी वो था, ये ग्रैबरल पेंडिंग था, हैंडल बार पेंडिंग था, एंड टैंक का फाइबर एंड स्पेशली ये वाला एक्सटेंशन जो है टैंक का वो एक पेंडिंग था, तो वो भी यामा से हमें कल ही मिल गया। एंड हमने आज उसको पूरा स्टोर करके बाइक रेडी कर दी है पूरी की पूरी। अब इसमें कुछ भी काम बचा नहीं है। सो ये बाइक का भी अभी डिलीवरी हो जाएगा। वी आर टेकिंग वी हैव ऑलरेडी टेकन अ ट्रायल ऑफ दिस व्हीकल एंड इट इज़ एब्सोल्युटली गुड टू गो। बाइक तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई भी इशू नहीं है बाइक में, वो भी हमने पूरा चेक कर दिया है। तकरीबन ये बाइक का पूरा खर्चा अगर मैं आपको बताऊँ
अप्रोक्सीमेट इसका जो एक्सपेंस आया वो अराउंड 26-27 हज़ार के बीच में इसका एक्सपेंस आया, जस्ट टू वापस से इसको मैकेनिकली पूरा इसको ठीक करने के लिए, बिकॉज मेजर कंपोनेंट्स ही थे जो डैमेज हो गए थे ये बाइक के, और कुछ कुछ छोटे छोटे फाइबर पार्ट्स हैं जो बाइक में थे ही नहीं, मतलब वो मिसिंग थे बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। फ्यू पार्ट्स ऑफ कोर्स क्या होता है एक्सीडेंट के दौरान पार्ट्स बाइक के गिर जाते हैं रोड पे, एंड वी आर नॉट इन द स्टेट टू कलेक्ट ऑल दिस पार्ट्स एंड ब्रिंग इट टू द वर्कशॉप। तो ऐसा भी होता है कभी, तो पार्ट्स का कैटलॉग देख के फिर वो हिसाब से पार्ट नंबर सिलेक्ट करके उस हिसाब से फिर पार्ट्स का ऑर्डर देना वॉजेंट दैट ईजी जॉब, बिकॉज यामाहा में स्पेशली एफजी मॉडल देर आर लॉट ऑफ वेरियंट्स। अगर आप टोलो एफजी 16 से लेके यार ये अभी एफजी वर्जन 3 एफजी एस का वर्जन 3 के बीच में बहुत सारे मॉडल्स आए हैं, हर एक मॉडल के पार्ट नंबर भी अलग अलग है, तो वो हिसाब से फिर पार्ट का प्रोक्योरमेंट करना वॉज अगेन अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अस। सो फाइनली ये काम पूरा हो गया है, सो आई एम ऑल्सो हैप्पी टू से दैट, एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर दिस बाइक एज वेल टूडे टू द कस्टमर। आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी कमेंट्स है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपके पास यामा है, आपके दोस्त के पास यामा है, यू वॉन्ट टू शेयर दिस वीडियो विद देम, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।